गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया ऐसे लर्न करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मेरा विद्यालय। क्या है? मेरा विद्यालय मतलब माय स्कूल। तो आज हम कौन सा निबंध याद करने वाले हैं, मेरा विद्यालय, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माय स्कूल। तो आप सबको तो स्कूल जाना पसंद है ना, जैसे कि आप लोग आते हो, आते थे ना, तो सबको स्कूल जाना पसंद होता है। तो आज हम किसके बारे में लाइंस लिखेंगे, अपने विद्यालय के बारे में। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि कल आपने काओ पर ऐसे लर्न किया था, तो किस किस को काओ पर ऐसे लर्न हो गया, मतलब किस किस बच्चे ने गाय पर निबंध लर्न कर लिया, बताइए। सभी ने कर लिया? नहीं, हो नहीं सकता ये तो। अच्छा बताइए किस किस ने कर लिया। जिसने कर लिया है उसके लिए वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो गाय पर निबंध याद कर ले, क्योंकि उसके बाद हमें मेरा विद्यालय मतलब माय स्कूल पर भी तो निबंध याद करना है ना। ओके, तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम मेरा विद्यालय मतलब माय स्कूल पर निबंध पढ़ने वाले हैं। आपको जो भी अपने विद्यालय के बारे में अच्छा लगता है आप वो इस ऐसे में लिख सकते हो। ओके, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम मेरा विद्यालय पर निबंध सीखने वाले हैं, और सभी बच्चे मेरे विद्यालय पर निबंध याद करेंगे और अपनी हिंदी ग्रामर की पेन नोटबुक में लिखेंगे। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। आप सब जानते हैं कि मेरा विद्यालय कैसा है, आपके विद्यालय का नाम क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। क्या है? कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ओके, तो चलिए अब हम मेरे विद्यालय पर निबंध लिखना स्टार्ट करें। कल हमने एक निबंध पढ़ा था गाय पर निबंध, और आज हम किस पर पढ़ेंगे, आज हम मेरे विद्यालय पर निबंध पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम कौन सा ऐसे याद कर रहे हैं, मेरा विद्यालय मतलब माय स्कूल। चलिए तो याद करते हैं। तो आपको क्या करना है होमवर्क में, ये तो आपको पता ही है, क्या करना है बताइए मुझे। आपको आज मेरा विद्यालय ऐसे लर्न करना है और उसको अपनी हिंदी ग्रामर की पेन नोटबुक में लिखना भी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहली लाइन लिखी है, यह है मेरा विद्यालय है। बच्चों आप इस लाइन को तब लिखिएगा अगर आपको आपके विद्यालय की फोटो हो आपके पास। आप अपनी नोटबुक पर फोटो तो नहीं लगा सकते, तो आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे। ओके, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, मेरे विद्यालय का नाम कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। आपके विद्यालय का नाम क्या है? कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। तो कैसे लिखोगे, मेरे विद्यालय का नाम कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। ओके, उसके बाद मेरा विद्यालय शहर के बाहर स्थित है। नहीं है, आपका विद्यालय शहर के अंदर है, तो आप लिख सकते हो मेरा विद्यालय शहर में स्थित है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने विद्यालय के अनुसार लिखना है ना, तो इसीलिए हम अपने विद्यालय के अनुसार इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या है, मेरे विद्यालय का नाम कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। मेरा विद्यालय शहर में स्थित है। मेरे विद्यालय में कमरे हवादार, स्वच्छ और बड़े बड़े हैं। मेरे विद्यालय में कमरे हवादार, स्वच्छ और बड़े बड़े हैं। मतलब बच्चों आपके विद्यालय में आपने देखा है कि कमरे बहुत हवादार, मतलब चारों ओर खिड़कियां दरवाजे हैं जहां से हवा आती रहती है, बहुत एयरी हैं। ठीक है, और स्वच्छ मतलब साफ हैं, और बड़े बड़े मतलब काफी बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं। तो मेरे विद्यालय में कमरे हवादार, स्वच्छ और बड़े बड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि मेरे विद्यालय में कमरे हवादार, स्वच्छ और बड़े बड़े हैं। अब आगे देखते हैं, उन कमरों में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। अब ये जो स्कूल है इसमें जो कमरे हैं उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, मेरे विद्यालय के प्रांगण में एक सुंदर बागीचा और एक खेल का मैदान है। प्रांगण का मतलब होता है बच्चों जो स्कूल के बाहर जो ग्राउंड है उसको हम प्रांगण बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये स्कूल है, इसके बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, तो इसको तो क्या है, इसमें एक सुंदर बागीचा है और एक खेल का मैदान है।
जैसे आप मान लीजिए ये यहाँ से जा रहा है तो इस साइड सुंदर बागीचा है और इधर खेल का मैदान होगा, ठीक है। तो मेरे विद्यालय के प्रांगण में एक सुंदर बागीचा और एक खेल का मैदान है। आगे देखिए, इस बगीचे में मखमली घास गुलाब आदि के सुंदर फूल लगे हैं। क्या है जो मेरे स्कूल में जो बगीचा है, मतलब जो ये लड़का है ये बोल रहा है कि इसके स्कूल में जो बगीचा है उसमें मखमली घास, मतलब बहुत मुलायम घास, जैसे आपने देखा है जो हमारे पिलो होते हैं मखमल जैसे सॉफ्ट, तो ऐसी ही घास है मखमली घास। गुलाब और आदि, मतलब गुलाब आदि के सुंदर फूल है, मतलब गुलाब गुड़हल बहुत सारे तरीके के सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। आगे देखिए, खेल के मैदान में अनेक प्रकार के झूले हैं। अभी ये लड़का क्या कह रहा है कि इसका जो स्कूल है उसमें खेल के मैदान में, जो आपको बताया था उसने कि एक बगीचा है और एक खेल का मैदान है, तो खेल के मैदान में क्या है, अनेक प्रकार के झूले लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगे हुए हैं बच्चों, अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर झूले लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या का नाम है। अब देखिए बच्चों, आपके विद्यालय की प्रधानाचार्या हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्या का नाम श्रीमती शालिनी अग्रवाल है। क्या लिखोगे बच्चों आप, मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्या का नाम श्रीमती शालिनी अग्रवाल है। क्या है, शालिनी अग्रवाल है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं योग्य और सुशील हैं। योग्य मतलब एबल, जो आपको पढ़ाने में सक्षम है, योग्य हैं। तो विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं योग्य और सुशील हैं। अब हमारे या हमारी, अब आपकी प्रधानाचार्या है ना, तो आप क्या करोगे, हमारी प्रधानाचार्या बहुत कर्मठ महिला हैं, मतलब अपने काम में, अपने काम के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठता है उनके अंदर, मतलब बहुत काम करने में बहुत पावंद हैं, सभी कामों को बहुत सही ढंग से करती हैं। ठीक है, तो कर्मठ महिला हैं। ठीक है, हमारी प्रधानाचार्य बहुत कर्मठ महिला हैं। हमारे विद्यालय की वेशभूषा, जो भी आपके विद्यालय की, जैसे आपको पता है हमारे स्कूल में चेक की शर्ट और पैंट चलती है, वही आप लिख दीजिएगा, हमारे विद्यालय की वेशभूषा ये और ये है। सभी विद्यार्थी अपनी वेशभूषा में ही विद्यालय आते हैं और सभी बच्चे अपने स्कूल की जो ड्रेस है उसी में विद्यालय आते हैं। आप भी तो आते थे ना जब आपका स्कूल चल रहा था। तो बच्चों, हमारे, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे स्कूल की वेशभूषा क्या है कि जो गर्ल्स हैं वो ट्यूनिक पहन कर आती हैं और जो बॉयज हैं वो पैंट शर्ट पहन कर आते हैं। तो सभी विद्यार्थी अपने स्कूल की वेशभूषा में ही तो विद्यालय में आते हैं, ताकि सभी बच्चे एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार अपने मेरे विद्यालय के निबंध को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर दें। मेरे विद्यालय का नाम कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। मेरा विद्यालय फिरोजाबाद में स्थित है। मेरे विद्यालय में कमरे हवादार, स्वच्छ और बड़े बड़े हैं। उन कमरों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरे विद्यालय के प्रांगण में एक सुंदर बगीचा और खेल का मैदान है। इस बगीचे में मखमली घास गुलाब आदि के सुंदर फूल लगे हैं। खेल के मैदान में अनेक प्रकार के झूले लगे हैं। खेल का मैदान है, उसमें क्या है बच्चों, अनेक प्रकार के झूले लगे हैं। मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्य का नाम श्रीमती शालिनी अग्रवाल है। विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं योग्य और सुशील हैं। हमारी प्रधानाचार्य बहुत कर्मठ महिला हैं। हमारे विद्यालय की वेशभूषा शर्ट और पैंट है। सभी विद्यार्थी अपनी वेशभूषा में ही विद्यालय में आते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा विद्यालय पर ऐसे लर्न हुआ, बताइए, आज आपको मेरे विद्यालय पर ऐसे लर्न हुआ। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर में मेरा विद्यालय ऐसे लिखना है, मतलब निबंध लिखना है और उसे याद करना है।
आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर में मेरे विद्यालय पर निबंध लिखना है और उसे याद करना है। ओके, तो आपको मेरे विद्यालय ऐसे समझ आया, बताइए। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको मेरे विद्यालय पर ऐसे लर्न करना है और उसको लिखना है। ओके, चलिए, गुड बाय।